Hey friends, welcome back to my channel. आज तक हर देश की मिलिट्री में हमने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स देखा है, लेकिन आज की कहानी एक अनोखी सेना के बारे में है और ये है अंडरग्राउंड फोर्स। हाँ, जमीन के अंदर के साइलेंट वॉर की कहानी है ये फिल्म बेनिथ हिल 60। ये एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म है जो 2010 में रिलीज हुई थी और IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग है 7.1। और कहानी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड से, जहां एक 26 साल का नौजवान रहता है जो कि एक माइनिंग इंजीनियर है और उसका नाम है ओलिवर वुडवर्ड। वो अपने से 10 साल छोटी लड़की को पसंद करता है जिसका नाम है मार्जरी, और मार्जरी भी वुडवर्ड को पसंद करती है। इनकी जिंदगी काफी शांति से कट रही है और उसी बीच वुडवर्ड को उसकी कंपनी की तरफ से एक मैसेज मिलता है कि World War I में यूरोप में कुछ माइनर्स की जरूरत है, तो वुडवर्ड ज्वाइन करने की ठान लेता है और यूरोप जाने से पहले उसकी बस कुछ ही दिनों की मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। तो ज्वाइन करने के बाद यूरोप जाने से पहले वुडवर्ड मार्जरी से मिलने आता है और उसे अपना इंतजार करने के लिए कहता है। तो मार्जरी वुडवर्ड को अपने पापा से परमिशन लेने के लिए कहती है और मार्जरी के पापा भी एग्री हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वुडवर्ड जब वापस आएगा तो मार्जरी से शादी करेगा। और फिर कुछ ही दिनों बाद वुडवर्ड यूरोप चला जाता है जहाँ पे वॉर शुरू है, और ये वॉर पिछले 2 सालों से शुरू है और किसी भी मकाम पे पहुँच नहीं रहा है, जैसे इस वॉर में कोई स्पीड ब्रेकर लगा हो। ये वॉर इंग्लिश चैनल से लेकर स्विट्जरलैंड के पहाड़ों तक चल रहा है। इंग्लिश चैनल मतलब फ्रांस और ब्रिटेन के बीच की जो खाड़ी है उसको इंग्लिश चैनल कहते हैं। सो अब तक लाखों लोगों की जान इस वॉर में जा चुकी है, तो बेताबी से सब चाहते हैं कि ये वॉर खत्म हो जाए। और वॉर खत्म करने के इस अटेम्प्ट के लिए सिविलियन माइनर्स को लाया गया है। दुश्मन की लाइंस के नीचे टनल बनाने हैं और दुश्मन की जमीन को ही उड़ा देना है। तो वुडवर्ड इस वॉर में जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे हैं यूरोपियन देशों के ग्रुप से। यूरोपियन जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम इन जैसी कंट्री शामिल है उनके साथ लड़ेगा, और जिस बटालियन के साथ वुडवर्ड लड़ रहा है वो इंग्लैंड की बटालियन है। तो फाइनली वुडवर्ड पहुंच गया है अपने डेस्टिनेशन पे एज अ लेफ्टिनेंट, फ्रांस में 1916। टनल के अंदर जमीन के 30 फीट नीचे वो अपनी टीम मेंबर्स को और सार्जेंट को ढूंढ रहा है। सबसे पहले उसकी मुलाकात होती है जिम से और उसके बेटे से, जो बाकियों के लोकेशन के बारे में बताते हैं। उसके बाद वुडवर्ड मिलता है एक 16 साल के बच्चे से जिसका नाम है फ्रैंक टिफिन, जो खुद की धड़कनों की आवाज को ही दुश्मन की एक्टिविटी की आवाज समझ रहा है। जब वुडवर्ड ये बात उसे बताता है तो वो चौंक जाता है। एंड फाइनली वुडवर्ड बाकी माइनर्स और इंजीनियर्स को मिलता है, लेकिन वो सब वुडवर्ड को देख के कुछ खास खुश नहीं है। लेकिन लेफ्टिनेंट वुडवर्ड उन सबको अपने अपने काम पे भेजता है। उसके बाद वुडवर्ड वहां से ऑफिसर्स के डॉगआउट में जाने के लिए निकलता है और उन्हें रास्ता दिखाने के लिए उनके साथ टिफिन भी निकलता है। डॉगआउट मतलब वॉर में लड़ रहे सब लोगों के लिए आराम करने के लिए जो छोटा सा ठिकाना बनाया है उसको वो डॉगआउट कहते हैं। वहाँ का वेदर नरक के बराबर है, बहुत ज्यादा कोल्ड है और बरसात है। इस बारिश में, इस ठंड में खुद को बीमार होने से बचाना है, खुद को दुश्मन की गोली से भी बचाना है और दुश्मन को मार गिराना है। तभी उनके ठीक सामने एक बड़ा सा धमाका होता है, कुछ सैनिकों के वहाँ पे चीथड़े उड़ जाते हैं। ये नजारा ना तो वुडवर्ड देख पाता है और ना ही टिफिन तो खुद को संभाल भी नहीं पाता, इतना डर जाता है। टिफिन के लिए ये सब किसी हॉरर सपने से कम नहीं था। जैसे तैसे ऑफिसर्स के डॉगआउट में जाते हैं तो वुडवर्ड की मुलाकात वहाँ पे बिल मैकब्राइड से होती है, जो उसके साथ इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दो ऑस्ट्रेलियन टनलर्स लिसनिंग स्टेशन पे अपनी ड्यूटी पे है और उन्हें तभी एक जर्मन सैनिक उनकी टनल में घुस के आता है। दरअसल ये युद्ध बारिश, पानी और दलदल में लड़कर दोनों तरफ की सेनाएं थक चुकी है, तो जमीन के अंदर से दुश्मन पे अटैक करने का आइडिया सिर्फ फ्रांस को ही नहीं आता, बल्कि सेम आइडिया जर्मन्स को भी आता है। इसीलिए जर्मन्स भी माइन खोद रहे हैं और इसी दौरान एक जर्मन सैनिक इनके माइन में आ पहुंचता है। ये दोनों उस जर्मन सैनिक को मार गिराने में कामयाब होते हैं, लेकिन अगले ही पल जर्मन्स टनल में धमाका करते हैं और वो दोनों वहीं पे जिंदा दफन हो जाते हैं। वुडवर्ड और बाकी टनलर्स उन्हें बचाने के लिए तुरंत पहुंचते हैं और उन दोनों को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन उन दोनों में से जिंदा सिर्फ एक ही को निकाल पाते हैं, जिसका नाम है मॉरिस। मॉरिस को कुछ ज्यादा चोट नहीं आती है,
शाम को मॉरिस वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी उनके ग्रुप को दुश्मन का एक ठिकाना, जिसको ये रेड हाउस कहते हैं, उसको उड़ाने का आदेश दिया जाता है। वुडवर्ड इस काम के लिए मॉरिस और फ्रेजर को लेकर रात के अंधेरे में जाता है, लेकिन ऐसा कोई भी काम वुडवर्ड ने इससे पहले नहीं किया था, इसीलिए उसने जितना सोचा था उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल ये काम उसके लिए था। फिर ये तीनों रेड हाउस में किसी तरीके से बॉम्ब प्लांट करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ब्लास्ट करने के लिए उनके पास वायर कम पड़ जाता है, तो मॉरिस दूसरा वायर लेने के लिए जाता है। तभी वहाँ उन्हें एक उन्हीं का सैनिक जख्मी हालत में मिलता है और वो उसकी मदद भी करते हैं और रेड हाउस को भी उड़ा देते हैं, लेकिन अपने साथी को बचा नहीं पाते, वो वहीं पे दम तोड़ देता है। अगले दिन रेड हाउस को उड़ाने के बाद स्थिति इंग्लैंड के सैनिकों के काबू में है, इसीलिए वो कीचड़ और दलदल में फुटबॉल खेल के अपनी खुशी जाहिर करते हैं। तभी सारे टनलर्स को सीनियर्स की तरफ से ऑर्डर्स मिलते हैं कि वुडवर्ड और उसकी माइनिंग टीम को बेल्जियम जाना होगा, जहां हिल 60 है, और रात को ही वो सब निकल पड़ते हैं। और वहां पहुंचने के बाद वहां का नजारा तो पहले से कई गुना ज्यादा भयानक था। ग्रुप के सभी लोग आगे निकल जाते हैं, टिफिन, वॉल्ट और बिल नाम के ये तीन छोटे लड़के पीछे रह जाते हैं और वो रास्ता भटक जाते हैं। आगे जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये भटक गए हैं। तब वुडवर्ड और बाकी टीम भी उन्हें आवाज लगाती है, तो बिली डिसाइड करता है कि दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए वो एक और भागेगा, और उसी समय पे टिफिन और वॉल्ट वुडवर्ड और बाकी टीम को ज्वाइन करेंगे, और वो ऐसे ही करते हैं। बिली दूसरी तरफ भागता है और तब तक टिफिन और वॉल्ट वुडवर्ड तक पहुँच जाते हैं। फिर बिली भी वहां तक आता है, लेकिन उन तक पहुंचने के बाद बिली को दुश्मन की दो गोलियां लग जाती है और बिली वहीं पे दम तोड़ देता है। फिर वो सब कुछ देर आराम करने के लिए डॉगआउट में जाते हैं, पर इनके चेहरे पर थकान और चिंता साफ नजर आ रही है। यहाँ टनल खोदते हुए इन्हें चूहे खा सकते हैं, दुश्मन इन्हें मार सकते हैं, या फिर ये सब जिंदा दफन हो सकते हैं। पर ये सारे ख्याल और चिंताएं पीछे छोड़कर वो अपना फर्ज निभाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जर्मन सिपाही भी अपने टनल में दुश्मन की एक्टिविटी को नोटिस करने की कोशिश कर रहे हैं। जर्मनी ने भी आम माइनर्स को वॉर में शामिल कर लिया है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सभी माइनर्स माइन देखने के लिए जाते हैं और फ्रेजर हिल 60 को देखने की कोशिश करता है और मॉरिस को भी दिखाता है, लेकिन हिल 60 उनकी उम्मीद से छोटी दिखाई पड़ रही है। इसी बात पर वो दोनों मजाक उड़ा के हंसने लगते हैं। वुडवर्ड टनल में एंट्री करता है और ऊपर बर्लिन सैप लिखा है, तो वो पूछता है कि इस टनल को ऐसा नाम क्यों दिया गया है। तो कैप्टन मैकब्राइड बताता है क्योंकि ये माइन सबसे ज्यादा डीप है और ये जर्मन लाइंस के ठीक नीचे जाती है, हम इसे बर्लिन तक पहुंचने वाली टनल भी कह सकते हैं, इसीलिए इसका नाम बर्लिन सैप रखा है। और मैकब्राइड बताता है कि इन माइंस में सिर्फ कीचड़ है, पानी है, जैसे कि ये माइन दलदल में धस रही है, और नीचे नीला कीचड़ है, ये पूरा एरिया सी लेवल के नीचे है और यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण इन माइंस में पानी जमा हो रहा है, और पानी जमा होने से रोकना इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और फाइनली वो दोनों जमीन के 90 फीट नीचे, ठीक जर्मन लाइंस के नीचे पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें ब्लू क्ले दिखता है और वहां एक ब्रिटिश माइनर भी है जो वहां काम करता है, जो उन्हें वहां सेट किए गए हाई एक्सप्लोजिव अमोनल के बारे में बताता है। ये सब एक्सप्लोजिव मटेरियल जब ब्लास्ट होगा तो धरती का अब तक का सबसे बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। ये एक मैन मेड अर्थक्वेक होगा। 500 फीट नीचे कैटरपिलर माइंस भी बनाई गई है। टोटल 21 माइंस बनाई गई है और हर माइन में एक धमाका होगा। ऐसे टोटल 21 धमाके होंगे और जर्मन्स के चीथड़े उड़ा देंगे। तो मैकब्राइड वुडवर्ड को बताता है कि जर्मन्स को पता लगने से पहले धमाका करना है और धमाका होने तक इन मिलियंस ऑफ टन एक्सप्लोजिव मटेरियल को ड्राई रखना है। तो ब्रिटिश टनलर कहता है कि जर्मन्स को अब तक इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है, जर्मन सोचते हैं कि हम कुएं खोद रहे हैं। तो वुडवर्ड पूछता है कि ये सब ब्लास्ट कब करना है। ब्रिटिश माइनर कहता है कि किसी को भी नहीं पता, मुझे यहाँ से हटाया जा रहा है और अब इस मिशन का कैप्टन वुडवर्ड है, तो इसे कब ब्लास्ट करना है ये तुम्हारे ऊपर है। फिर मैकब्राइड और वुडवर्ड वहाँ से निकल जाते हैं और जाते जाते बात करते हैं कि ये ब्लास्ट तब होगा जब जर्मन्स बड़ी तादाद में अटैकिंग पोजीशन पे होंगे, उससे लाखों जर्मन्स मारे जाएंगे। अगर अभी ये ब्लास्ट करते हैं तो सिर्फ कुछ हजार ही जर्मन्स मारे जाएंगे।
इधर जर्मन माइनर्स भी ब्रिटिशर्स के इरादे के बारे में पता लगाना चाहते हैं, और ब्रिटिश कुछ तो प्लान कर रहे हैं इस बात का शक भी उन्हें होता है। फिर हम देखते हैं कि कैप्टन वुडवर्ड अपने सभी ग्रुप को सभी 26 लिसनिंग पोस्ट 21 कैटरपिलर माइन में काम पे लगा देते हैं और खुद एक दूरबीन लेकर दुश्मन का और हिल 60 का जायजा लेने के लिए जाते हैं। और ठीक उसी समय अपोजिट में जर्मन माइनर भी अपने शक को यकीन में बदलने के लिए ब्रिटिशर्स के बोरियों में क्या है ये पता लगाने के लिए गोलियां चलवाते हैं, और उसमें से एक गोली आकर ठीक वुडवर्ड के हेलमेट पे लग जाती है और वुडवर्ड वहीं पे बेहोश गिर जाता है। बोरी पे गोली ना लगने के कारण जर्मन्स फिर से फायर करते हैं और इस बार गोली एक बोरी पे लग जाती है और उस बोरी में ब्लू क्ले देखकर जर्मन माइनर्स कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ब्रिटिश सैनिक डीप माइंस बना रहे हैं, क्योंकि ब्लू क्ले 25 से 30 मीटर के डेप्थ पे है। लेकिन जर्मन ऑफिसर इस बात पे यकीन नहीं करता कि वो लोग 25 मीटर की चढ़ निकाल कर माइंस बना रहे होंगे, और माइनर की कोई बात सुने बगैर वहाँ से चला जाता है। इधर वुडवर्ड होश में आता है तो उसके पास एक लड़का बैठा था। वुडवर्ड उसे उसकी एज पूछता है तो वो 16 बताता है और कहता है कि इन्होंने मुझे स्ट्रेचर बेरर बनाया है, मतलब घायलों को स्ट्रेचर पे ले जाने वाला, क्योंकि वॉरर के हॉरर रूप से वो मुझे बचाना चाहते थे। और इस बात पे वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर माइन में जाने के बाद फ्रेजर वुडवर्ड को बताता है कि ये सारी माइंस में लगातार पानी भरा जा रहा है, 60 लोग मैन्युअली पंपिंग के थ्रू पानी निकालने के लिए लगाए गए हैं, और अगर इन 60 में से कुछ लोग भी बीमार पड़ते हैं या कुछ लोगों को भी कुछ होता है तो ये सारी माइंस बेकार हो जाएंगी, यूजलेस हो जाएंगी और हम कभी ब्लास्ट नहीं कर पाएंगे। माइन में कोलैप्स मतलब दीवार या छत ना धसे इसके लिए लकड़ियां लगाई जाती है, तो टिफिन बताता है कि उसके पापा कारपेंटर है और वॉर खत्म होने के बाद वो भी उनके साथ काम करेगा। फिर वुडवर्ड और मैकब्राइड पानी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्लान बनाते हैं और ऑफिसर्स के पास जाते हैं, और इलेक्ट्रिक पंप से माइन से पानी निकलने का प्लान वो ऑफिसर्स को बताते हैं। लेकिन 90 फीट नीचे से पंप पानी नहीं खींचेगा ऐसा ऑफिसर्स का कहना था, लेकिन गीली रेत और दलदल से शाफ्ट के जरिए इलेक्ट्रिक पंप से पानी निकालने का अनोखा प्लान उन्हें इच्छा ना होते हुए भी इस प्लान को सहमति देनी पड़ती है। एंड फाइनली इलेक्ट्रिक पंप मंगाया जाता है और इंस्टॉल भी किया जाता है, लेकिन इंस्टॉलेशन के टाइम पे फ्रेजर से कुछ गिर जाता है और माइन में उसका आवाज होता है। ये आवाज जर्मन टनलर सुन लेते हैं और फाइनली इलेक्ट्रिक पंप भी इंस्टॉल हो जाता है और अब पंप चालू किया जाता है। सभी लोग बेताबी से पानी के ऊपर आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा है और बेसब्र होकर ऑफिसर्स गुस्से में वहां से जाने लगते हैं। तभी पाइप से हवा और पानी की आवाज आती है और पानी भी पाइप से निकल आता है, तो सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टिफिन को टनल में कुल्हाड़ी से आवाज करने की ड्यूटी दी गई है ताकि जर्मन टनलर्स इनकी आवाज से भटक जाए। इधर ब्रिटिश ऑफिसर पंप को और माइनिंग को देखने के लिए आता है, तभी वुडवर्ड को कुछ बताने के लिए जिम लिसनिंग पोस्ट से बाहर आता है, तो ऑफिसर उसे अपना काम छोड़कर वहां से बाहर आने के लिए गुस्सा करते हैं और अंदर वापस भेज देते हैं। तभी वहां जिम का बेटा वॉल्ट आ जाता है और अचानक से टनल में बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और जिम की मृत्यु वहीं पे हो जाती है उसी धमाके में। दरअसल ये धमाका जर्मन्स ने किया था। जिम को वहां से निकाल के पूरे रीति रिवाजों के साथ दफनाया जाता है, और उस वक्त टिफिन वुडवर्ड की गर्लफ्रेंड के लिए एक लकड़ी का बॉक्स जो बनाया था उसने अपने हाथों से गिफ्ट में उसे देता है। इधर जर्मन माइनर्स ब्रिटिशर्स के इरादे समझ चुके हैं और उनके डीप माइंस के बारे में अपने ऑफिसर्स को भी समझाने और यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वो सिर्फ इतना जानते हैं कि ब्रिटिशर्स डीप माइंस खोद रहे हैं, लेकिन ऐसा करके एग्जैक्टली वो क्या करना चाहते हैं इसका अंदाजा अभी जर्मन्स को नहीं है। इसीलिए वो एक शाफ्ट खोद कर पता लगाने की सोचते हैं कि अंदर वो लोग एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं। इधर उनकी शाफ्ट के बारे में फ्रेजर को अंदाजा हो जाता है, लेकिन वो श्योर नहीं है कि गीली रेत से कोई शाफ्ट कैसे बना सकता है। लेकिन इसी दौरान वुडवर्ड की तबीयत कुछ खराब हो रही है और वो कुछ देर आराम करने के लिए जाता है।
और इधर जर्मन माइनर्स भी ब्लू क्ले तक मतलब 25 से 30 मीटर की डेप्थ तक पहुंच चुके हैं, शाफ्ट वहां तक खोद चुके हैं। इधर वुडवर्ड को नींद से उठा के फाइनल माइन के ब्लास्ट का ऑर्डर दिया जाता है। अब से ठीक 36 घंटों के बाद 21 धमाके होंगे और इन धमाकों में पूरी जर्मन सेना और हिल 60 के चीथड़े उड़ जाएंगे। साथ ही साथ ये वॉर भी खत्म हो जाएगा और ब्लास्ट की तैयारी शुरू की जाती है। तभी टिफिन वुडवर्ड को किसी आवाज के बारे में बताता है जो ठीक बर्लिन सैप मतलब मेन माइन के ऊपर से आ रही है। वुडवर्ड तुरंत देखने के लिए जाता है तो उसे पता चल जाता है कि जर्मन्स ठीक बर्लिन सैप के ऊपर शाफ्ट खोद रहे हैं ब्रिटिशर्स के माइनिंग के सीक्रेट के बारे में पता लगाने के लिए, और वो अभी 60 फीट डीप शाफ्ट खोद चुके हैं और इनका बर्लिन शाफ्ट 90 फीट नीचे है, लेकिन फाइनल ब्लास्ट के लिए अभी भी 10 घंटे बचे हुए हैं। जर्मन्स सिर्फ 9 घंटे में ही इनकी बर्लिन सैप माइन तक पहुंच जाएंगे, इसीलिए वुडवर्ड और ऑफिसर्स जर्मन की शाफ्ट को तबाह करने का डिसीजन लेते हैं और ये काम फ्रेजर, मॉरिस, टिफिन और उनके कुछ और साथियों को दिया जाता है। इस वक्त जर्मन्स ब्रिटिश माइन के कारण काफी अनकॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, इसीलिए फ्रांस और ब्रिटिश सैनिकों पर अटैक करने के लिए उन्होंने भारी तादाद में ट्रूप्स मंगाए हैं हिल 60 पे। और तभी फाइनल ब्लास्ट के लिए बस कुछ ही मिनट बचे हुए हैं, तभी फ्रेजर शाफ्ट के नीचे ब्लास्ट करके जर्मन शाफ्ट को तबाह कर देता है और सब लोग वहां से बाहर निकलने के लिए निकल पड़ते हैं। और इधर वुडवर्ड, ऑफिसर और बाकी सब लोग हिल 60 को उड़ाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं ब्लास्ट को शुरू करने के लिए। तभी नीचे सब लोग बाहर निकलते समय माइन की छत कोलैप्स हो जाती है और टिफिन अंदर फंस जाता है। फ्रेजर भाग के वुडवर्ड के पास पहुंचता है, तब तक सिर्फ 15 सेकंड बचे हुए थे माइन को ब्लास्ट करने में, लेकिन तब तक 21 धमाके शुरू हो चुके थे। फ्रेजर धमाके रोकने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन एक टिफिन की जान बचाने के लिए इतने महीनों से नरक यातना सहते हुए हजारों लोग जिस ब्लास्ट की तैयारी कर रहे थे उसे आधे में रोकना पॉसिबल नहीं था। अगर रोका जाता तो शायद कई और टिफिन मारे जाते, इसलिए वुडवर्ड अपना फर्ज अदा करता है और एक लीवर दबाने के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड ब्लास्ट हो जाता है जिसमें एक साथ लाखों जर्मन्स मारे जाते हैं और उनके साथ टिफिन भी। कहानी फिर से ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड में आती है जहां 3 साल बाद भी टिफिन की मौत के लिए वुडवर्ड खुद को माफ नहीं कर पा रहा है और उसका दिया हुआ लकड़ी का बॉक्स लेकर उसे अपनी शादी के दिन भी याद कर रहा है। 7 जून 1917 को दुनिया का सबसे बड़ा मैनमेड एक्सप्लोजन किया गया था जिसे लंदन तक महसूस किया गया, लेकिन कुछ महीनों बाद जर्मन्स ने हिल 60 वापस जीत लिया और इसके 1.5 साल बाद फाइनली वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गया। इस ब्लास्ट में 1,60,00,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। वुडवर्ड 1919 में ऑस्ट्रेलिया वापस आए थे और उन्हें मिलिट्री क्रॉस 2 बार के साथ सम्मानित भी किया गया। वो इकलौते ऑस्ट्रेलियन थे जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया था। वुडवर्ड और मार्जरी की शादी 1920 में हुई थी और उन्हें 3 बच्चे भी हुए। उन दोनों ने अपनी लाइफ के 46 ईयर साथ में गुजारे जब तक कि 1966 में वुडवर्ड का निधन हो गया। आपको ये फिल्म की स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप कौन सी फिल्म की स्टोरी जानना चाहेंगे ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में। ऐसी ही फिल्म की स्टोरीज के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।